आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासिटामोल टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई है। खबर है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया। इनमें बीपी, डायबिटीज और विटामिन की कुछ दवाएं भी शामिल हैं। SDSCO ने जो दवा फेल की है उनमें दर्द दूर करने वाली दवा डेक्लोफेनेक, बुखार उतारने वाली दवा पैरासिटामोल और कुछ विटामिन की दवाएं भी शामिल हैं। ये दवाई देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती हैं। क्वालिटी टेस्ट में ये मेडिसिन फेल हो गई हैं और उनको सेहत के लिए खतरनाक बताया गया। इसके अलावा एल्केम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक्स क्लेवम 625 दवा परीक्षण में फेल हो गई। हालांकि दवा कंपनियों ने चिन्हित बैच के नकली होने का दावा किया है। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट हम कह सकते हैं और साथ ही जो जानकारी मिल रही है 53 दवाइयां। अक्सर आपको बुखार होता है तो आप झट से पैरासिटामोल लेते हैं, आपकी बॉडी में दर्द होता है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी होती है तो सिट्रिजाइन आप लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन दवाइयों का कोई असर आप पर अब नहीं हो रहा। और अब CDSCO ने इसकी एक लिस्ट जारी की है और 53 दवाइयों को बेअसर बताया है। मंगलवार की शाम दमोह के गुप्ता परिवार के लिए काल साबित हुई। ऑटो में सवार होकर जब यह परिवार देव दर्शन के लिए जा रहा था उसी दौरान सड़क पर बेलगाम रफ्तार से भरे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। नतीजा 9 मौतें हुई और एक की हालत अब भी गंभीर है, जिसकी वजह से ट्रक का जो ड्राइवर है नशे में इतना चूर था कि उसे खुद का भी होश नहीं था। मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन जब कोई बेमौत मरता है तो होती है तकलीफ। झलक आता है दर्द और उठता है सवाल कि आखिर कब तक। कब तक बेकसूर गंवाएंगे अपनी जान, कब तक सड़क पर लहराते चरचराते मोटे मोटे टायर मसलते रहेंगे जिंदगियां, कब तक नशे की मस्ती में रौंदी जाती रहेगी लोगों की जान, कब तक लाल परी की खुमारी बुझाती रहेगी घरों के चराग। पूरी 9 है, जी हां पूरी 9 चिताएं धधक रही हैं। गुप्ता परिवार के 4 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे बेवक्त दुनिया छोड़ गए। अपनों के आंसू है कि थम नहीं रहे, किसी को क्या पता था जो गुप्ता परिवार ऑटो में सवार होकर देव दर्शन के लिए रवाना हुआ था वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। बुधवार को जब दमोह के शोभा नगर से एक के बाद एक शव यात्राएं निकलनी शुरू हुई तो लोग हक्के बक्के रह गए। किसी ने कभी इतनी शव यात्राएं एक साथ नहीं देखी थी, ना ही शमशान घाट पर एक साथ इतनी चिताओं को मुखाग्नि देते किसी को देखा था। उसका एक बच्चा, एक बच्ची और पत्नी, और उससे छोटा भाई, उसकी पत्नी, उसके 2 जुड़वा बच्चा, 7 लोग गए और उन बच्चे भाई का सफर वो भी खत्म हुआ। वो ड्राइवर था जो हमारा मौसी के लड़का था वो भी खत्म हुआ। कुल कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे? बांदकपुर गए थे, बांदकपुर से लौट रहे थे और इनकी हमारे छोटे भाई की जिठफा से वो जबलपुर में भर्ती है और एक जने भर बचे, बाकी खत्म हो गए। दमोह के जिला और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। कलेक्टर सुधीर कोचर के मुताबिक परिवार की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं SP श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि हादसे की शुरुआती जांच में पाया गया कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था और इस हादसे से पहले भी कुछ दूरी पर एक गोवंश को मार कर आया था। दुखद और बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ पर रहा, पूरा शहर यहाँ पर उमड़ा, समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए
और मैंने देखा कि जिस तरीके से समाज ने कल से उनको सहयोग किया है, मतलब ये निश्चय ही ये प्रतीक है कि दमोह में लोग कितने संवेदनशील हैं और संकट के समय मदद करने के लिए कितने आगे रहते हैं। यहाँ के पार्षद जी जो हैं उन्होंने लगातार काम किया, सभी लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया परिवार का। जो अर्ष गुप्ता है लड़का, जिसके माताजी 4 साल पहले शांत हो गई थी, अभी उनके पिताजी भी इसमें शांत हो गए, तो वो अकेले बच्चे हैं। उस बच्चे की पूरी देखरेख जो है कि जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम लोग उनको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का पूरा लाभ दिलवाएंगे। ये भी बताया गया है कि जो लोडर ट्रक का जो चालक है वो शराब पी कर के वाहन चला रहा था, ऐसा पता चला है। अभी उनका मेडिकल वगैरह होगा तो पुष्टि हो जाएगी कि क्या स्थिति है। और ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि वो जो पूरा ऑटो रिक्शा है वो पूरा ट्रक के जो सामने वाला बोनट है उसके नीचे फंस गया। सुना आपने, ड्राइवर नशे की हालत में था, पहले भी एक हादसा करके आया हुआ था, लेकिन ना तो उसका नशा काफूर हुआ और ना ही उसकी गाड़ी के पहिए थमे, और नतीजा शमशान में जलती हुई इन चिताओं के रूप में नजर आया। अब इतना सब होने के बाद भी किससे और कैसे समझाया जाए, जिसमें न खुद का होश रहता है न दुनिया का। वो नशा नाश की जड़ है। आशीष कुमार जैन, न्यूज 18, दमोह। जब वो सड़क पर गुजरी तो किसी ने अपने बॉयफ्रेंड की आंखें बंद कर दी तो कई महिलाएं उसे देखकर हैरान रह गईं। लड़के उसे घूरने लगे, कई गाड़ियां रुक गईं। इंदौर में एक ऐसा वीडियो बना जिसमें बेशर्मी की हदें पार कर गईं। एक लड़की ने यह वीडियो बनाया और बोल्डनेस पर बवाल मचा दिया। वो सड़क से गुजरी तो गाड़ियां रुक गईं। कोई बॉयफ्रेंड की आंखें करे बंद, तस्वीर देखकर कोई करे तौबा तौबा। लड़की का बिंदास अंदाज, पब्लिसिटी स्टंट, लाइमलाइट के लिए कुछ भी करेगा। बोल्डनेस पर बवाल। ये अदाएं, अंदाज और ये बोल्डनेस, जब ये लड़की सड़क से गुजरी तो लोग हैरान रह गए। एक लड़की ने तो अपने बॉयफ्रेंड की आंखें ही बंद करवा दी, एक लड़के ने बाइक स्लो कर दी, तो कई लड़के ऐसे ही घूरते रहे। जाहिर सी बात है कि पहनावा ही कुछ ऐसा है कि सबकी निगाहें ना चाहते हुए भी ठहर जाएं। इंदौर की 56 दुकान जहां खाने के शौकीनों का जमावड़ा रहता है, लेकिन इसी जगह से जब ये लड़की इन कपड़ों में निकली तो लोग हैरत भरी निगाहों से देखते रहे। एक नहीं, कई ऐसे वीडियो बनाए गए हैं। पब्लिक प्लेस पर कुछ महिलाएं तो ऑकवर्ड फील कर रही थीं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड किया गया और उसके बाद भद्दे भद्दे कमेंट्स आने लगे। इधर यूजर्स ने सवाल किया है, क्या यही है इंदौर की संस्कृति? इस बोल्डनेस पर बवाल तो मचना ही था। मिनी मुंबई यानी इंदौर में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कैसी आजादी। सोशल मीडिया पर युवती के पोस्ट किए गए इस अश्लील कपड़ों के वीडियो पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा वो भी सुनिए। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि इंदौर सांस्कृतिक विरासत का शहर है जिसमें इस तरह की अभद्रता नहीं होना चाहिए। मेरे पास भी अभी शिकायत आई है, इंदौर के कुछ महिला संगठन आज सक्रियता के साथ कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इंदौर एक सांस्कृतिक शहर है, यहाँ इस प्रकार की अभद्रता नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे भारत के संविधान में लोगों को रहने की, खाने की, पीने की छूट है, पर ऐसी छूट जो दूसरे समाज को प्रभावित कर सके, मैं समझता हूँ कि ये दुरुपयोग है। उसके बाद इंस्टाग्राम पर जिस लड़की ने ये वीडियो अपलोड किया उसके मुताबिक इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं कि बवाल मचे, हाँ कपड़े नॉर्मल नहीं है ये जरूर कहा। हाय गाइस, मेरा वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन, बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफ़ी बोलना चाहूँगी, सॉरी बोलना चाहूँगी, मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी, मुझे लगता है ये बहुत गलत है।
सवाल है कि क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए लाइमलाइट में आने के लिए ये वीडियो बनाया गया, व्यूज और लाइक्स पाने के लिए क्या किसी भी हद तक जाएंगे। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रीलबाज, रंगबाज, टशनबाज, क्या नाम दें इन्हें। ये वो बिगड़ैल शहजादे हैं जिन पर फितूर चढ़ा है, नशा चढ़ा है अवैध हथियारों के साथ रील बनाने का। आखिर ये कैसी सनक, कब बाज आएंगे ये रीलबाज। ये तस्वीरें पुलिस के लिए बन गई हैं चैलेंज। ट्रिगर पर टशन, रील की खुमारी, अवैध हथियार, अजब की सनक, स्टंट करने से भी नहीं आए बाज, सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो, न इन्हें कानून का खौफ, न वर्दी वालों का डर। सतना के बिगड़ैल रीलबाज, इन रीलबाजों का टशन देखिए, इन बिगड़ैल नवाबों का फितूर देखिए, जिन पर चढ़ा हथियारों का नशा। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ वीडियो पोस्ट किए गए, कार में पिस्टल निकालकर बाकायदा पिस्टल में मैगजीन लोड करते हुए और ठसक ऐसी कि न जाने कहां के नवाब हैं। जिस वीडियो में गाना भी ऐसा कि गांव का छोरा सब पर भारी। आखिर अवैध हथियार क्यों इन युवाओं के लिए स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, क्यों इन पर चढ़ी है अवैध हथियारों के साथ रील बनाने की खुमारी। सिर्फ एक नहीं, ऐसी कई तस्वीरें हैं। ये दोनों लड़के गलबैया डाले पिस्टल लेकर स्टाइल दे रहे हैं, किसी वीडियो पर गाने हैं तो इस वीडियो पर डायलॉग, बदमाश गैंग से बच कर रहना, ऐसे ही गाने और फिल्मी डायलॉग्स के साथ अवैध हथियारों के साथ ये रील बनाई गई। अब ये तीसरी तस्वीर। आखिर युवाओं पर क्यों चढ़ रहा है ये अवैध हथियारों का नशा, पिस्टल के साथ बिंदास अंदाज जो कानून को ठेंगा दिखा रहा है, पुलिस कर्मियों को चैलेंज दे रहा है। अब देखिए जरा, सरे राह सरे आम चलती सड़क पर जीप पर खड़े होकर वीडियो बनाना, उसके बाद सीधे जीप के ऊपर बैठकर नियमों को ताक पर रख कर निकल जाना। सतना के कोलगावा के रहने वाले एक लड़के ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अवैध हथियार वाला वीडियो पोस्ट किया। आखिर इन बेलगाम बिगड़ैल शहजादों पर कब कसा जाएगा शिकंजा, ये कैसा टशन, ये कैसी सनक। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।